गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th सब्जेक्ट SST पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, पार्ट नंबर 2। वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर the definition of the democracy and meaning, what is the meaning of democracy and what is the definition of the democracy we have learned in the previous video. Now we discuss the features of democracy. Aaj hum padhenge ki democracy ki kya uski features hain, uski kya kaun si characteristic signs, ki visheshta hai. Now we discuss one by one. Number 1, rulers elected by the people take all the major decision. Rulers elected, jo rulers hota hai, jo shasak hota hai, jo shasan karne wala hai, to rulers इलेक्टेड बाय द पीपल, वे जनता के द्वारा चुना जाता है। जो रूलर्स है वे जनता के द्वारा चुना जाता है। ये नहीं है कि जैसे मोनार्की जो शासन होता है कि मोनार्की रूल के अंदर कि उस किंग के बाद में उसका जो सन होता है उसी को राजा बनाया जाता है, किंग बनाया जाता है। लेकिन यहां पर डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार का रूल रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि जो रूलर्स है वे रूलर्स पीपल के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है, वहां इलेक्शन होता है और व्यक्ति इलेक्शन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से वहां पर उसको अपने रूलर्स को चुना जाता है। इसलिए क्या होता है कि टेक ऑल द मेजर डिसीजन, जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वे मेजर डिसीजंस उस पीपल के द्वारा, जो इलेक्टेड जो पर्सन है, जो रूलर्स है, उसके द्वारा मेजर डिसीजन ली जाते हैं और वे मेजर जो डिसीजन है वे सभी को मान्य होते हैं कि वे सभी उसका फॉलो करते हैं। क्लियर। नंबर 2, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स। इलेक्शन ऑफर चॉइस यानी इलेक्शन, हर व्यक्ति को कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, हर व्यक्ति को चुनाव में अपना इलेक्शन में खड़े होने का राइट्स बनता है। कोई चुनाव में खड़ा हो सकता है एज ए कैंडिडेट बनकर, या मैच कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता तो अपने चॉइस के कैंडिडेट को वे कॉन्ट्रास्ट करा सकता है, चॉइस के व्यक्ति को वे अपने इलेक्ट कर सकता है। तो इलेक्शन ऑफर एक चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, और प्रत्येक व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्री एंड फेयर, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक फीचर्स है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं किया जाता है, निष्पक्ष रूप से हर व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वे अपने अनुसार, अपने कैंडिडेट की चॉइस के अनुसार उसको इलेक्ट कर सकता है। तो फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स, कि जो करंट रूलर्स है, अगर मान लीजिए पीपल ने किसी व्यक्ति को इलेक्ट कर दिया है और उससे अगर वे सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए करंट रूलर होता है करंट, कि जो वर्तमान में जो चल रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई भी MP है या MLA है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी कैंडिडेट है, आपने इलेक्ट किया और आपकी कुछ डिमांड थी
उस लोकल एरिया में आपकी कुछ डिमांड थी, हो सकता है कि वाटर की प्रॉब्लम हो आपके एरिया में, रोड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, एनी प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आपका कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़ा हुआ, कॉन्ट्रास्ट हो खड़ा हुआ, और आपने अपनी डिमांड रखी कि हमारे एरिया में वाटर की कमी है, पानी की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, अगर आप इसको फुलफिल अप करोगे तो हम निश्चित रूप से आपको इलेक्शन में जिता देंगे। उस कैंडिडेट्स ने यस कर दिया और उसने कहा कि हाँ, अगर मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा तो आपकी जो पानी की जो प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, और जो रोड प्रॉब्लम्स है, उसको मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। लेकिन वे एमएलए जीत जाने के बाद में और आपकी वाटर की प्रॉब्लम्स या रोड की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं करता, आप बार बार उसके पास जाते हो, उसके ऑफिस में जाते हो, आप उससे रिक्वेस्ट करते हो कि हमारे पानी की प्रॉब्लम है, आप सॉल्व आउट कर दिए, हम पानी नहीं है पीने के लिए, या हमारे रोड ट्रांसपोर्ट रोड की कमी है इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं होता, आप नहीं चलता है। लेकिन वे आपकी बात को बार बार नेगलेक्ट कर रहा है, नकार रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये जो कैंडिडेट्स है ये आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा। तो जैसे ही इलेक्शन होंगे 5 ईयर्स बाद में, आप फिर दोबारा इलेक्शन में भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और फिर आपसे वोटिंग के लिए बोलता है, तो आप उसको वोटिंग नहीं दे सकते, क्यों? आप उसको जो करंट जो रूलर्स है, आप उसको चेंज करने का आपके पास राइट्स है। आप अपने वोटिंग के माध्यम से उसको वोटिंग नहीं करोगे, अदर कैंडिडेट को वोटिंग करोगे, ये तुम्हारी चॉइस है। तो ये होगा करंट रूलर्स। इसी प्रकार से जो बड़े आप जैसे हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, पीएम है, हमारे सीएम है, ये हर व्यक्ति के पास में, सिटीजन के पास में एक पावर्स। तो इसमें बताया कि पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स, जो करंट जो रूलर्स है उस करंट रूलर्स को चेंज करने का आपके पास में राइट्स। नेक्स्ट, दिस चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस यानी कि इक्वल बेसिस के ऊपर, ये क्या है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, चॉइस की अपॉर्चुनिटी है, ये ऑल सिटीजन के पास में इक्वल है। ऐसे नहीं है कि रिच पर्सन के पास में उसकी जो पावर्स अधिक है और पुअर कैंडिडेट के पास में कम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी की एक फीचर्स है कि डेमोक्रेसी के अंदर कि वन पर्सन वन वोट की और इक्वल वैल्यू होती है, वन पर्सन वन वोट और उसकी जो इक्वल जो वैल्यू है वे वैल्यू भी इक्वल वैल्यू है। ये नहीं है कि गरीब व्यक्ति का जो वोट है उसकी कीमत कम होगी, अमीर व्यक्ति की वोट की कीमत अधिक होगी, या अमीर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दो है कि अमीर व्यक्ति दो मत डालेगा और गरीब व्यक्ति वन मत वोटिंग करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं इसलिए कहा कि द चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। इक्वल है, चाहे यहां पर पीएम हो या सीएम हो या गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो या एक लेबर पर्सन हो, सभी को वोटिंग करने का अधिकार है, केवल वन वोट का है, एक ही वोट डाल सकता है, दो टू वोट्स नहीं। और चाहे सीएम हो या पीएम हो, उनकी वोट की वैल्यू भी उतनी है जो एक लेबर व्यक्ति की है, जो एक मजदूर व्यक्ति है। तो वी कैन से द वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू इज द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ये हमारे डेमोक्रेसी की एक फीचर्स है। तो इक्वल बेसिस हो गया। नेक्स्ट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू
a garments limited by basic rules of the constitution and citizens' rights. नेक्स्ट हमारे जो फीचर्स है डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी की ये फीचर्स है कि डेमोक्रेसी के पास में जो गवर्नमेंट्स बनेगी डेमोक्रेटिक के अंदर, उसके अपने कुछ रूल रेगुलेशन और उसके फंक्शंस होंगे, और ये फंक्शन भी किसी का होंगे गवर्नमेंट्स के लिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशन के ऊपर होके वर्क करे, ऐसा नहीं है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स को इलेक्टेड किया है पीपल ने, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको वर्कआउट करना होगा। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के मैं वर्क नहीं कर सकता। इट मीन्स कि उस रूलर्स के ऊपर भी कुछ लिमिटेड है, कुछ सीमाएं हैं। उन लिमिटेड, उस सीमाओं को, उस बाउंड्री को वे क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसकी बाउंड्रीज है, जो उसके रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वे वर्क करेगा। तो सिटीजन है, क्योंकि उसमें कुछ सिटीजन के कुछ राइट्स ही होते हैं, वे सिटीजन के राइट्स को वे अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक सिटीजन के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और टुडे आज के अगर हम देखते हैं तो ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स है। जो एक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू द प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया है, इसलिए 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने फंडामेंटल राइट्स को उसको यूज करें। जैसे बताया कि इन डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर सिटीजन के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उस फंडामेंटल राइट्स के अनुसार वे अपना रेस्पेक्ट चाहता है, अपनी डिग्निटी चाहता है। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, या राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन हो, वे उसका यूज करना चाहता है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कि यही हमारी डेमोक्रेसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उसकी फीचर्स है, कि इन डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट टू द सिटीजन, हर व्यक्ति को रेस्पेक्ट मिलता है, हर व्यक्ति को रेस्पेक्ट मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर, उसके फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल राइट्स के अलावा उसके जो कुछ डिमांडेड हो गवर्नमेंट्स में, साथ में अपने रूलर्स को डायरेक्टली अपनी डिमांड के लिए वे एप्लीकेशन लगा सकता है, उसकी डिमांड कर सकता है, उसको उसका राइट्स है, क्योंकि उसने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया है, उसने अपने चॉइस के अनुसार अपने रूलर्स को इलेक्ट किया है, और अपनी प्रॉब्लम को उसके सामने कर सकता है, सामने उसको ला सकता है, ताकि उसको प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सके। ये डेमोक्रेसी के अंदर होता है, ऐसा मोनार्की के अंदर और डिक्टेटरशिप रूलर्स के अंदर नहीं होता है। इसलिए ये हमारी कुछ फीचर्स थी कि डेमोक्रेसी की, कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वे एक गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो डेमोक्रेसी इज द बेटर गवर्नमेंट्स अदर देन द गवर्नमेंट्स, कि अदर गवर्नमेंट से कहीं अच्छी हमारी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स है, कि अदर देन जैसे मोनार्की और डिक्टेटरशिप शासन से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी कुछ फीचर्स थी डेमोक्रेसी की। ओके, आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर फिर भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कॉमेंट्स करना, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। और आप एनडी इंग्लिश स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।